हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटोगो वर्सेस ऑकलैंड के मैच प्रेडिक्शन के बारे में और पिच ऊपर के बारे में आपको बताऊंगी गाइस। उससे पहले आप सभी को बता देती हूँ, ज्वेल क्रिकेट के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ। तो आप सब अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो जाके वहाँ ज्वाइन हो जाना। आपको वहाँ पर बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेगी, आपका लॉस होने का बिल्कुल चांस नहीं, आप वहाँ पर प्रॉफिट कमाओगे। इसलिए गाइस लॉस में जाने की बिल्कुल मत सोचना, प्रॉफिट कमाना। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसे क्लिक करो, अभी जाके ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पर जोगपट इनिंग साथ जोगपट मैच मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो गाइस पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो गाइस पहले अपन बात करेंगे टीम फॉर्म के बारे में। तो गाइस यहाँ पर लास्ट के 5 मैच हुए तो उसमें से ओटागो ने गाइस यहाँ पे एक भी मैच विन किया है, एक भी मैच विन नहीं किया है। 5 के 5 ही मैच उसके लूज गए। उधर बात करेंगे ऑकलैंड के बारे में, तो गाइस ऑकलैंड ने 2 मैच विन किए और 3 मैच उसके लूज गए। मतलब कि यहाँ पे ऑकलैंड का थोड़ा बहुत परसेंट विन होने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही। अब बात करेंगे अपन हेड टू हेड के बारे में। तो गाइस हेड टू हेड में लास्ट के 10 मैच हुए तो उसमें से लास्ट के 10 मैच में से 3 मैच विन के ओटागो ने और 6 मैच विन के ऑकलैंड ने। मतलब कि यहाँ पे ऑकलैंड का पड़ा ही मुझे भारी नज़र आ रहा है। बात करेंगे लास्ट के मैच के बारे में, बात करेंगे लास्ट के मैच में गाइस यहाँ पे ऑकलैंड ने 3 मैच विन करे ऑकलैंड ने और 1 मैच चेस हुआ है ऑकलैंड का 103 रन से, फेस बॉय उसका 1 मैच, 2 मैच उसके डिफेंड गए। बात करेंगे अपन यहाँ पे टीम कंपेरिजन में, तो गाइस टीम कंपेरिजन में लास्ट के 10 मैच में से हुए तो उसमें से 1 मैच विन किया है ओटागो ने और एवरेज उसकर बात करेंगे, एवरेज उसकर उसका 144 उसका एवरेज उसका रहा है। हाई स्कोर के बारे में बात करेंगे, हाई स्कोर उसका 185 उसका एवरेज स्कोर रहा है। और हाई स्कोर की बात करेंगे, हाई स्कोर उसका 185 उसका हाई स्कोर रहा है। और बात करेंगे ऑकलैंड के बारे में, तो ऑकलैंड ने गाइस लास्ट के 10 मैच में से 5 मैच विन करे गाइस और एवरेज स्कोर उसका 139 उसका एवरेज स्कोर रहा है। हाई स्कोर की बात करेंगे, हाई स्कोर उसका 170 उसका हाई स्कोर रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखा जाए तो खाली 5 विन करे ऑकलैंड ने, लेकिन मैच की मेरे को तो ओटागो का पड़ला ज़्यादा भारी नज़र आ रहा टीम कंपेरिजन में। और बात करेंगे अपन पिच रिपोर्ट के बारे में, गाइस पिच रिपोर्ट में लास्ट के 10 पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। गाइस पिच रिपोर्ट में जो फर्स्ट बैटिंग पे टीम आएगी उसके डिफेंड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, जो सेकंड बैटिंग पे टीम आएगी उसके 100% विन होने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही। तो गाइस हमारे जो सेकंड बैटिंग पे टीम आएगी उसके विन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही। और बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन के बारे में, तो गाइस पेस वर्सेस स्पिन में तो गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट बैटिंग जो यहाँ पर जो तेज़ बॉलिंग करेगी उसके 54% विकेट लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जो स्पिन बॉलिंग करेगी उसके 46% विन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो गाइस यहाँ पर जो तेज़ बॉलिंग करेगी उसके विन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जो जो धीरे बॉलिंग करेगी स्पिन बॉलिंग करेगी यानी उसके विकेट लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो गाइस यहाँ पे जो तेज़ बॉलिंग करेगा उसके पड़ला ज़्यादा भारी नज़र आएगा। तो गाइस इसके लिए ध्यान से मैच देखना पड़ेगा, कौन सी टीम तेज़ बॉलिंग कर रही है तो आप उसी को फॉलो करना, सफ़र करना, क्योंकि उसके विन होने की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो गाइस मैं तो उसी को फॉलो करूँगी, तो आप भी उसी को फॉलो करना, सफ़र करना। बाकी के अपडेट आपको बैक टू बैक टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया। ज्वेल क्रिकेट के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना। आपको वहाँ पे एक परसेंट की आपको अपडेट डाली जाएगी और आपका लॉस होने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा, प्रॉफिट कमाओगे। तो अगर लॉस में जाने की बिल्कुल मैं सोचना, प्रॉफिट कमाना। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।